अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शारजा की ये सबसे बड़ी मस्जिद जो है ये 5 साल की मुद्दत में कंप्लीट की गई। आज हम इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए आए हैं। शारजा से बाहर जाते, दुबई से जाते, रास अल खैमा की तरफ या फुजेरा की तरफ जाते, आप यहाँ नमाज अदा कर सकते हैं। और चलते हैं मस्जिद के अंदर और देखते हैं मस्जिद की खूबसूरती को। पाँच साल से जायद अरसा में बनने वाली शारजा की सबसे बड़ी मस्जिद। इज्जत माब जनाब सुल्तान बिन मोहम्मद अल कासमी ने इस मस्जिद को 2019 में आवाम के लिए खोल दिया। $300 मिलियन की लागत से बनने वाली ये मस्जिद 1,85,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है। पच्चीस हजार नमाजियों की गुंजाइश लिए शारजा की सबसे बड़ी मस्जिद, जिसके मरकजी हाल में 5,000 नमाजी जिनमें 610 खवातीन शामिल हैं। मस्जिद के फ्रंट हाल और मुत्तसिल बरामदों में 6,000 से ज़ायद नमाजियों की गुंजाइश है। जबकि मस्जिद के इतराफ में 13,500 नमाजियों की गुंजाइश है। मस्जिद के बाहर वसीओ अरीज बगीचा है जो रंग बरंग के फूलों से सजा है। मस्जिद के बगीचे के साथ बनी शफाफ पानी की झील इसकी खूबसूरती में इजाफा करती है। मस्जिद के मरकजी हाल में सबसे बड़े गुंबद के मरकज में बरकी कुमकुमों से बना फनूस मरकजी हाल की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। आला फन्ने खताती के पेशे नजर मस्जिद की दीवारों पर आयाते कुरानी से नक्काशी की गई है। कुराने करीम के नुस्खे दीवारों के अंदर बनी अलमारियों और हाल में पड़ी तख्तियों पर तरतीब से रखे गए हैं। मस्जिद में 2 जगहों पर वजू की सहूलत मौजूद है, एक बगीचा के अंदर और दूसरी तहखाना में, जिस तक जाने के लिए लिफ्ट की सहूलत भी मौजूद है। मस्जिद के ऐन दरमियान में बगीचा की तरफ एक फवारों की लाइन है जो शाम के वक्त मस्जिद के नज़ारे को और भी शानदार बना देती है।
हमारी आज की वीडियो जो कि शारजा मस्जिद के हवाले से थी। आपने देखा कि कितनी खूबसूरत मस्जिद है जो कि कसीर लागत के साथ शारजा की गवर्नमेंट ने अपने एमिरेट्स में बनाई है, शारजा एमिरेट्स में, इसीलिए इसका नाम भी शारजा मस्जिद है। और अपनी खूबसूरती, अपने फन तमीर में ये अपनी मसाल आप रखती है। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो सब दोस्तों को पसंद आई होगी। और जाने से पहले हम गुजारिश करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम इस तरह की और भी वीडियोस आपके लिए लाते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।